बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक खुश बाश हंसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग देखिए, बारिश हो रही है, गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और पता नहीं ये सर्दियों की जाती हुई की बारिश है या गर्मियों की आने की बारिश है। तो बहरहाल बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। सुबह हम उठे फजर की नमाज़ के लिए तो बारिश हो रही थी, तो उस टाइम से हल्की फुल्की बारिश चल रही है, तो बहुत मज़े का मौसम है। तो जी बहुत मज़े का मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मज़े के मौसम में मज़े मज़े के पकवान भी खाने चाहिए, तो मज़े मज़े पकवान के साथ ही सब्ज़ी भी होनी चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और बहुत ही यूनिक और नए अंदाज से, इस तरह कभी किसी ने नहीं बनाई होगी। तो आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी की बड़ियाँ। तो सब्ज़ी की बड़ियाँ बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ टिंडे, ठीक है। टिंडे की हम बड़ियाँ बनाएंगे, तो वीडियो में मेरे साथ ही बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखिएगा और अपने घर में बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, आए जी नीचे चलते हैं। और यहाँ पे उठ गई है जी मेरी सोनी सी पारोशी बेटी और ये गोलू मोलू उठ गई है। अभी मैं इसका डायपर वगैरह चेंज कर लूँ तो खाने की तरफ चलते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो ये टिंडे अभी से छील लेते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम इसके साथ इसको कद्दूकश करेंगे, ठीक है। तो हम जो है ना इस तरह ग्राइंड कर लेंगे इसके साथ। ये मैंने बाकी सारे कर लिए हैं, बस ये लास्ट के दो रह गए हैं, इसको हम कर लेते हैं। मैंने प्याज को भी ग्राइंड कर लिया है, ठीक है, तो इसी के साथ किया है। और अभी हम जो है ना ये जो हमने कद्दूकश किया है इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ। तो इसका पानी आप मलमल के कपड़े में भी डाल के निकाल रहे हैं, मेरे हाथ साफ है, धुले हुए हैं। बिस्मिल्लाह इस तरह इसका पानी निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये पानी बाद में भी चाहिए। ये पानी हम इसका ज़ाया नहीं करेंगे। हमने इसमें जी ये देखे मैंने इसका पानी खुश कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ज़रा सी हल्दी क्योंकि हमने ग्रेवी में भी डालनी है, हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, ठीक है। और इसमें सुरख मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बेसन, ठीक है। और ये हमने डाल दिया इसमें खुश्क धनिया, हल्का सा ज़ीरा छिड़क देंगे इसके ऊपर। इधर कर लेते हैं जी इसको मिक्स। ये जो बेसन हमने डाला है इतना काफ़ी नहीं है, और भी डालेंगे हम। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि हम देख लें। ये जी हमारे बन गए हैं और अब हम इसको ऐसे करके देख लेंगे कि इसकी बाइंडिंग हो रही है या नहीं। तो बाइंडिंग इसकी बन रही है, ये देखें। हमने ये डाल लिया है, अब इसके हम छोटे छोटे से इस तरह के बॉल से बना लेंगे। हाँ जी, तो घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ये डाल देंगे आस्ता आस्ता। बिस्मिल्लाह, अभी हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तैयार कर लिए हैं और अभी हम जो है ना इसका मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने प्याज ग्राइंड करके रखा हुआ है तो ये इसमें डाल देंगे। इसमें आज बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छे का है, मजे का मौसम बना हुआ है, ठीक है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो हस्बैंड भी काम पे अपने गए हुए हैं और मैंने सोचा खाना खाना बना लें हम जाने से पहले, क्योंकि कल भी खाना मैंने बनाया था तो आज जरूरी। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। और ये जो हमने टिंडों का पानी निकाल के रखा था इसके साथ इसको डाल देंगे। टमाटर
टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, ये मैंने टमाटर फ्रीज करके रखे हुए थे ये डाल देंगे। टमाटर हो गया है तो इसमें हम सुरख मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ही हम नमक डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा डालेंगे। कुछ धनिया डाल देंगे। आजकल दिल उदास उदास है, दिल नहीं लग रहा मेरा तो, पता नहीं क्या है। लगता है अम्मी की याद आ रही है, अम्मी से मिलने को दिल कर रहा है लेकिन कैसे जाएं, इतनी दूर है, बहुत दूर है, 10-12 घंटों का सफ़र है तो आना जाना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कढ़ाई मसाला डाल देंगे फ्लेवर के लिए ताकि अच्छा टेस्ट आए। बेटी मेरी सो गई है रो रो के, क्योंकि मैंने बढ़िया बनाई थी, बोल रही थी, फिर उसको सुलाया दोबारा से और फिर मैंने खाने की तरफ बीच में खाना छोड़ के चली गई थी। तो आज सुबह 9 बजे भी लाइट गई हुई है, बहुत तंग किया हुआ है, हम अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। अभी मैंने वीडियो नहीं डाली थी तो आज मैंने सोचा कि वीडियो डालनी चाहिए, उसको इस वजह से मैंने इसका खाना भी बना लिया, ब्लॉग भी बना लिया इसका, और मैं इसका पानी ले आऊँ उसमें डालने के लिए। शुक्रिया। हमारा भुन गया है तो पानी डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूंगी। हाँ जी, तो ये हमारा पानी जो है ना, ग्रेवी हमारी रेडी हो गई थी। मैंने कहा इसमें अपनी बढ़िया डाल देते हैं, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इस तरह एक एक करके डाल देते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे जी सब्जियां नहीं खाते, जैसे मेरे बच्चे नहीं खाते सब्जियाँ, तो सब्जियां ना खाने वाले बच्चों के लिए इस तरह आप बना के खिलाएं, बच्चे चट कर जाएंगे, खा जाएंगे। बच्चों वाले घर में इस तरह की रेसिपीज़ बनना बहुत अच्छा होता है क्योंकि बच्चे जो है ना शौक़ से खा जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता क्या खा रहे हैं। इसको अब हम रख देते हैं हल्के हल्के दम पे, ठीक है, तो ये बन जाता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो सालन हमारा जो है ना माशाल्लाह से तैयार हो गया है, और ये देखिए इसकी लुक, अभी हम इसकी आँख बंद कर देते हैं। बहुत मज़े का सालन बन गया है, मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत मज़े का है और आपको भी नज़र आ रहा होगा कितना यम्मी लग रहा है और बहुत मज़े का है। बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है और अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है और ये बढ़िया भी हमारी बहुत अच्छे से बन गई हैं। तो ये जी हमारा दोपहर का खाना तैयार हो गया है माशाल्लाह से। वीडियो को फुल वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया चेक करें और मुझे सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए बच्चों के साथ, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने सारा साजो सामान समेट लेती हूँ, सालन की लुक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बहुत मज़े का दोपहर का खाना तैयार हो गया है। अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, ठीक है, आटा मैंने गूंथ लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारा दोपहर का खाना और ये हमारी बढ़िया तैयार हो गई थी माशाल्लाह से, बहुत मज़े की बनी है। तो ये देखें।